हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पी वी लोकेटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो होने वाला है, जो कि आपके जो मुझे कमेंट मिले थे, तो जो कि उसके अंदर आपने क्या मुझे बताया था कि जो लाइट अपना जो है कटता ही नहीं है, जो गाड़ी चालू हो जाने के बाद अपना जो लाइट है वो बंद होना चाहिए, तो वो नहीं होता है। तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होता है, और बहुत सी बार क्या होता है आपका जो लाइट है वो आता ही नहीं है। मतलब जैसे इग्निशन ऑन करेंगे तो जो मीटर के अंदर अपना लाइट आना चाहिए दोस्तों, बैटरी का, तो आता ही नहीं है। तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होता है, और जो आपका जो लाइट है दोस्तों, जो अल्टरनेटर से जो आपका सप्लाई जाता है मीटर के अंदर, तो आपका आधा चलता है। ओके दोस्तों, मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सी बार जो प्रॉब्लम होता है आपका जो लाइट है आधा चलता रहता है। तो जो तीनों प्रॉब्लम क्यों आते हैं वो आपको पूरा जो प्रैक्टिकल में आपको बताने वाला हूँ, और जो थेटिकल भी इसके ऊपर समझने वाला हूँ, जो कि इसके अंदर सप्लाई आपको कैसे है, पूरा जो प्रैक्टिकल भी करके बताऊँगा और थेटिकल भी आपको समझाऊँगा। ओके दोस्तों, तो वीडियो आखिर तक देखिए तभी समझ पाओगे जो कि क्या जो प्रॉब्लम आता है, जो कि लाइट ही ना आए तो क्या करना चाहिए, और लाइट आता है लेकिन गाड़ी चालू जाने के बाद आपका जो लाइट, आपका जो बैटरी का लाइट है वो कटना चाहिए, मतलब बंद होना चाहिए, वो नहीं होते। और अब ये जो जो लाइट है आपका जो गाड़ी चालू हो जाने के बाद आधा चालू ही रहते हैं। ओके दोस्तों, मतलब आपका जो पूरा बंद होना चाहिए वो नहीं होता है, खाली जो है आधा ही जो बंद होता है। ओके दोस्तों, तो इसके अंदर पूरा जो आपको बताने वाला, देखिए अभी आप अपने पास जो एक कटआउट आप देख रहे हैं, जो रेगुलेटर है ये आपका मारुति में जो लगता है वो है, उसका है जो एक ब्रश होल्डर है यहाँ पे। ओके दोस्तों, उसका है जो ब्रश होल्डर है, तो इसके ऊपर आपको समझाऊंगा मैं पूरा। तो आपको जो वीडियो पूरी देखनी है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लेना, क्योंकि आपको जो ऐसी जो वीडियो आप खाली जो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलती है, तो जो है आप सब्सक्राइब तो जरूर करके रखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी जो अपना जो लाइट आता है बैटरी का, जो आपके मीटर के अंदर जो लाइट आता है दोस्तों, बैटरी का जो सिंबल रहता है, तो कैसे आता है आपको मैं पहले समझ लीजिए, मतलब कैसे आप पहले उसको आपको समझना है। जो नए टेक्नीशियन उनको मालूम नहीं है, बहुत से जो टेक्नीशियन है जो उनको मालूम नहीं रहता है लाइट जो अपना आता है, जो मीटर के अंदर जो आपका लाइट आता है तो कैसे आता है उनको मालूम नहीं रहता। तो पहले आपको वो समझना है कि वो लाइट आता कैसे, फिर जो आप आगे काम कर पाएंगे ना दोस्तों, कि जो लाइट नहीं आ रहा है या लाइट कट नहीं रहा है तो क्यों हो रहा है उस हिसाब से। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो दो पॉइंट है, ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये आपका जो आउटपुट कहाँ पे देता है दोस्तों, जो कि ग्राउंड का आउटपुट इससे मिलता है, जो कि आपके बैटरी के अंदर जो बैटरी का जो सिंबल आता है दोस्तों मीटर के अंदर, उसके लिए सप्लाई निकलता है। तो अभी देखिए इसके अंदर हम क्या करने वाले, जो ये बल्ब देख रहे हैं आप मीटर बल्ब है दोस्तों, तो ये इसके अंदर हम कनेक्ट करेंगे अभी। तो देखिए इसको मैं अभी कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो इससे अपने को कौन सा आउटपुट मिलने वाला है यहाँ पे, ग्राउंड का। तो इसको अपने को जो एक पॉजिटिव का सप्लाई भी देना पड़ेगा ना दोस्तों। देखिए अभी जैसे आप इग्निशन ऑन करते हो तो जो इसको पॉजिटिव मिलता रहता है, तभी आपका यहाँ से तो ग्राउंड कंटिन्यू मिलता है, जब इग्निशन ऑन करते हो तो पॉजिटिव मिलता है, तो आपका जो लाइट आता है जो गाड़ी चालू करने के बाद, ऐसे ग्राउंड नहीं मिलना चाहिए, ऐसे पॉजिटिव मिलता है लेकिन ऐसे ग्राउंड नहीं मिलना चाहिए, तभी आपका जो लाइट बंद होता है। देखिए इसको मैं पॉजिटिव देता हूँ यहाँ से, ये जो हरा वायर है दोस्तों हमारे पास, ये पॉजिटिव का है। अभी देखिए इसको पॉजिटिव तो दे दिया, और एक आउटपुट इसको हमने यहाँ से दे दिया, तो लेकिन अभी जो अपना लाइट ग्लो नहीं कर रहा है दोस्तों। देखिए मैं जो कटआउट के अंदर ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये जो पत्ती है, तो इसके अंदर हमेशा जो ग्राउंड रहती है आपकी, जो कि ये जो पत्ती आपकी बॉडी के साथ कसी हुई रहती है। तो देखिए ये जो ब्लू वायर है अपने पास, ये अपनी ग्राउंड की है, तो इसके अंदर मैं भी इसको दे देता हूँ, देखिए यहाँ पे। ओके दोस्तों, इसको मैंने दे दिया, फिर भी अपना जो लाइट है अभी ग्लो नहीं कर, क्योंकि अभी कटआउट अपना जो ग्राउंड निकलना चाहिए अभी वो निकल रहा है। कौन से वायर से निकलेगा दोस्तों, अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, जो कि आपकी ये जो वायर देख रहे हैं दोस्तों ग्रीन वायर, तो इसमें से अपना जो ग्राउंड का सप्लाई वो निकल रहा है। अभी तो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि ये जो बड़ा बल्ब है तो इससे आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये जो एक अर्थिंग कर जो, नहीं सॉरी दोस्तों, इसको मैं एक जो पॉजिटिव कर लेता हूँ और एक यहाँ से नेगेटिव देता हूँ। देखिए यहाँ से आउटपुट अपने को मिल रहा है, जो कि कटआउट से होके आप देख सकते हैं, जो कटआउट से होके आपको मिलना चाहिए, जो इस वायर के ऊपर हरा जो है उसके ऊपर अपने को भी सप्लाई मिल रहा है। ओके दोस्तों, तो अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जो आगे का जो प्रोसेस है, ये जो लाइट अपना जलना चाहिए तो कैसे चलता है पहले देखिए, जो कि मैं आपको पहले क्या बताऊँगी कि अपना जो लाइट नहीं लगता है जलता है। ओके दोस्तों, जैसे आप इग्निशन ऑन करते हो तो जो लाइट नहीं आता है, जो अल्टरनेटर से सप्लाई आउटपुट नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है आपको बताना होगा। तो इसके अंदर अभी देखिए जो बल्ब 21 वाट का, हम इसको अब जो है रोटर मान के चले, जो कि अभी इसको हम रोटर मानेंगे, तो हम जो रोटर आपको कहाँ पे आपका
रहता है अटैच, जो है दो ब्रश है आपका ब्रो शोल्डर के अंदर, तो इसके साथ अटैच रहता है जो स्लिप रिंग आप देखते हैं, तो इसके साथ आपकी अटैच रहती है। जब ये जो ब्रश आपके अटैच रहेंगे तभी आपका जो आउटपुट निकालेगा। देखिए अभी इसको मैं क्या करता हूँ, ये जो एक इस ब्रश के अंदर जो सप्लाई इसका देता हूँ, जो बल्ब का वायर है वो, और जो दूसरा वायर है जो नीचे का जो ब्रश है उसके अंदर देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट अपना जलने लगा, आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ, देखिए अपना जो लाइट है वो ग्लो करने लगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी दोस्तों लाइट आपका कब तक तो ग्लो करेगा दोस्तों, जब तक तो आपका पॉजिटिव सप्लाई नहीं निकलेगा, जब आपका अल्टरनेटर है इस जो ब्रश के लिए। अभी इसके अंदर कौन सा दोस्तों, एक नेगेटिव का ब्रश है और एक पॉजिटिव का, तो जो नेगेटिव का ब्रश के लिए जो आउटपुट निकलता है आपका, एक कट आउट निकलता है जो रेगुलेटर आता है, और आपका पॉजिटिव के ब्रश के लिए जो आउटपुट निकलता है वो आपका कहाँ से आता है दोस्तों, जो रेक्टिफायर प्लेट से आता है, जो कि यहाँ पे और एक जो वायर कसती है जो देख रहे हैं आप, ये जो येलो वायर है, सेम कलर की वायर आपकी कहाँ पे रहती है, रेक्टिफायर प्लेट के अंदर, जो कि तीन डायोड से आपका आउटपुट देती है जो कि पॉजिटिव का। कभी देगी दोस्तों जब भी अल्टरनेटर आपका रोटेट करेगा, जो रोटर है आपका रोटेट करेगा तभी देगा यहाँ से जो पॉजिटिव सप्लाई। इसके ऊपर जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो आपका ये जो लाइट है ये बंद हो जाएगा दोस्तों, ये जो लाइट आपका ग्लो करता है जो कि आपका नेगेटिव से सब जो नेगेटिव सप्लाई उससे करता है, जो रोटर का जो रोटर से जो सीरीज सप्लाई आता है उसके ऊपर ग्लो करता है। अभी जो अपने ये जो लाइट अपना जो ग्लो कर रहा है तो हमने इसको रोटर माना है, तो ये आपका क्या है, ये जो बल्ब का जो तार है दोस्तों उससे होके जो ग्लो कर रहा है, मतलब ये जो सप्लाई इसको मिल रहा है जो इस जो बल्ब पे इससे होके मिल रहा है, मतलब जब तक आपका ये जो जो दो ब्रश आप देखते हैं ये आपके सही से जो अटैच नहीं रहेंगे स्लिप रिंग के साथ, ये आपकी स्लिप रिंग खत्म हो जाएगी। उस कंडीशन में भी आपका जो है जो डैशबोर्ड के अंदर जो बैटरी का लाइट आता है वो नहीं आएगा। ओके दोस्तों, मतलब आपका क्या होता है इस कंडीशन के अंदर, बहुत सी बार कटआउट आपका जो आउटपुट देना चाहिए ऐसे जो नेगेटिव का जो कि ग्रीन वायर के अंदर, तो आपका नहीं देता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से इसको मैं खोलता हूँ, ये जो स्क्रू देख रहे हैं इसको मैं खोलता हूँ तो आपका जो लाइट है बंद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों ये इसको मैंने रिमूव कर लिया, मतलब अपना अभी ये क्या हो रहा है, कटआउट आपका जो आउटपुट देना चाहिए ग्राउंड का वो नहीं दे रहा है, तो इसकी वजह से अपना जो लाइट है वो नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर आपको क्या खराब मिलता है अल्टरनेटर के अंदर, एक तो आपका 90% कटआउट का प्रॉब्लम होता है, या फिर आपका जो स्लिप रिंग देखते हैं उसका होता है, या रोटर का होता है। रोटर आपका ओपन रहेगा दोस्तों, मतलब जो कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए आपको रोटर से होके वो नहीं मिलेगी जो इस बल्ब को, तो फिर भी आपका जो सप्लाई नहीं देगा जो आउटपुट देना चाहिए, जो रोटर से होके आता है ना दोस्तों उसकी वजह से। देखिए जैसे मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ तो जो अपना लाइट है फिर से ग्लो करने लगा है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको इस कंडीशन के अंदर जो लाइट नहीं आता है डैशबोर्ड के अंदर बैटरी का जो मीटर के अंदर, तो इसके अंदर आपको जो एक क्या खराब मिल सकता है आपको, एक तो रोटर, नहीं तो एक कटआउट या स्लिप रिंग, या तो फिर कैसे जो शोल्डर आपका वीक रहेगा, जो स्लिप रिंग के अंदर जो शोल्डर आपका जो तार शोल्डर होते हैं दोस्तों वो कैसे कटा हुआ मिल सकता है, फिर भी आपका जो लाइट आएगा डैशबोर्ड के अंदर वो नहीं आएगा। ओके दोस्तों, मतलब दोस्तों आप अभी समझ गए होंगे मैं आशा करता हूँ, जो कि आपका लाइट नहीं आता है डैशबोर्ड के अंदर तो क्यों नहीं आता है दोस्तों, जो कि ये जो दो ब्रश है आपके अच्छे से जो आपके स्लिप रिंग के ऊपर अच्छे से जो है अटैच नहीं होंगे, मतलब ये बहुत ये जो घिस जाते हैं दोस्तों, मतलब ये इसकी जो साइज़ है कम हो जाती है, तो उसके अंदर भी आपका जो रोटर के अंदर अच्छे से जो कनेक्ट नहीं होते जो स्लिप रिंग है उसके अंदर, तो उस कंडीशन में भी आपका जो लाइट नहीं आता है दोस्तों डैशबोर्ड के अंदर। तो आपको ऐसे पहचानना है, जो कि कटआउट आपको चेक करना मैंने बताया, तो कटआउट आपको चेक करना है जो कि आउटपुट आपका ग्राउंड का दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ओके दोस्तों, उसके बाद आपको रोटर चेक करना है उसके अंदर कंटिन्यूटी मिल रही है कि नहीं मिल रही, और ये जो ब्रश है इस यहाँ पे जो कनेक्ट होते, तो आपको ये भी चेक कर लेना है कि इसके अंदर जो सप्लाई मिलना चाहिए अच्छे, जो सप्लाई आपका मिलना चाहिए ऐसे जो ग्राउंड का और एक आपका पॉजिटिव का इसके अंदर, तो वो भी आपका सही है नहीं है, तो आपको चेक करना है ब्रश आपके जो स्लिप रिंग है वो भी चेक कर लेनी है, उसका जो शोल्डर है कहीं से जो वीक तो नहीं है, जो तार आप शोल्डर करते हो कहीं से जो कटी तो नहीं है। ओके दोस्तों, तो इस कंडीशन के अंदर आपका जो लाइट नहीं आता है जो मैंने आपको बताया। तो चलिए दोस्तों, अगला जो स्टेप है मैं आपको बताता हूँ, जो कि ये जो बैटरी का लाइट है आपका जो कटता नहीं, जो भी गाड़ी चालू हो जाने के बाद अभी इसको जो है बंद हो जाना चाहिए लेकिन नहीं होता है, तो किस उस कंडीशन के अंदर क्या प्रॉब्लम होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। तो देखिए अभी उस कंडीशन के अंदर आपका क्या प्रॉब्लम रहता है मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखिए अभी इसके अंदर आपको क्या चेक करना होता है, जो कि इस कंडीशन के अंदर आपका इसके साथ इस ये जो पॉइंट है इसके ऊपर जैसे आपका पॉजिटिव का सप्लाई आएगा, जैसे आपका अल्टरनेटर वर्क में आएगा, जैसे जो रोटेशन उसका चालू हो जाएगा, जो रोटर है वो रोटेट करने लगेगा, तो इसके अंदर आपका जो पॉजिटिव आएगा,
से आएगा दोस्तों जो रेक्टिफायर प्लेट है उसके अंदर जो तीन डायोड लगती है, तो उससे होके आपका आता है। इसके साथ आपका और एक जो वायर कट जो है अटैच रहता है, तो इसके अंदर जैसे आपका पॉजिटिव आने लगेगा तो आपका ये जो लाइट है ये बंद हो जाना चाहिए और जो रोटर है आपका वर्क में आना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर जैसे मैं अभी पॉजिटिव दूंगा, देखिए अभी इसको पॉजिटिव दूंगा, देखिए आप देख सकते हैं जो कि आपका जो बल्ब है, थोड़ा इसको मैं देखिए जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव दूंगा, देखिए ये जो बल्ब है अपना बंद हो गया, तो छोटा बल्ब है जो मीटर बल्ब है वो अपना बंद हो गया और जो बड़ा बल्ब है वो चालू हो गया, मतलब अपना जो रोटर है दोस्तों उसको सप्लाई मिल गया, पॉजिटिव का भी मिल गया और नेगेटिव का मिल गया। नेगेटिव का तो मिल ही रहा था, जो पॉजिटिव का मिलना चाहिए वो मिल गया, मतलब वो क्या कर रहा था, नेगेटिव अपने सीरीज से होके दे रहा था इस बल्ब के लिए, अभी वो देना बंद कर देगा तो आपका जो अल्टरनेटिव सही माना जाता है उस कंडीशन के अंदर। लेकिन आपका क्या है, देखिए जो लाइट आपका फिर भी जो बंद नहीं होता है, मतलब कभी बंद नहीं होगा दोस्तों, जब जब भी इसके अंदर आपका पॉजिटिव का जो सप्लाई है वो नहीं आएगा इस पॉइंट के ऊपर जो रेक्टिफायर से होके आना चाहिए वो नहीं आएगा, तो उस कंडीशन के अंदर आपका क्या प्रॉब्लम होता है दोस्तों, जो आपकी रेक्टिफायर प्लेट है वो ख़राब रहती है, उसके अंदर की जो डायोड है आपकी शॉर्ट रहेगी या ओपन रहेगी, तो उस कंडीशन के अंदर एक प्रॉब्लम आपका आता है। ओके दोस्तों, मतलब आप देखते होंगे कि बहुत से टाइम अपना जो लाइट है कट नहीं होता है, तो आप चेक करते हो तो फॉल्ट जो है समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे जो प्रॉब्लम रहे, तो जो लाइट आपका कटना चाहिए जब भी यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा तो आपका जो लाइट है वो कटना ही चाहिए दोस्तों। देखिए जैसे यहाँ पे पॉजिटिव दूंगा आपका लाइट जो कटना चाहिए और रोटर आपका वर्क में आना चाहिए, अब ये जो बल्ब ग्लो कर रहा है मतलब अपना रोटर है, तो आपका जो वर्क में आ गया बल्ब अपना ग्लो कर रहा है मतलब क्या है दोस्तों, जो रोटर अपना वर्क में आ जाएगा, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएगी तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनना चाहिए वो बनने लगेगा। ओके दोस्तों, जैसे ही ऐसे पॉजिटिव हट जाएगी फिर से जो अपना जो गाड़ी आप बंद कर दो, तो क्या है ऐसे जो पॉजिटिव अपनी हट जाती है तो फिर से अपना जो लाइट है ग्लो करने लगता है। ओके दोस्तों, जो रेक्टिफायर प्लेट के अंदर जो खराबी रहती है तो 90% चांसेस रहते हैं कि जो लाइट आपका जो कटता नहीं है दोस्तों, तो आपका उसके अंदर आपका रेक्टिफायर प्लेट ही खराब है। और दोस्तों जो 10% आपके चांसेस रहते हैं तो इसके अंदर आपका स्टेटर का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो रेक्टिफायर को इनपुट जो देता है स्टेटर देता है, तो जो आपका रेक्टिफायर प्लेट को इनपुट नहीं आएगा। ओके दोस्तों, जो कि स्टेटर पे से होके जो एसी सप्लाई आता है, फिर आपका रेक्टिफायर डीसी बनाता है, फिर जो यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे आता है, तो आपका रोटर आपका वर्क में आता है दोस्तों, तो आपका जो स्टेटर भी आपका ख़राब रहेगा, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपका जो ये जो बल्ब है आपका नहीं कटेगा। रेक्टिफायर प्लेट ओके भी रह सकती है, लेकिन 90% आपका रेक्टिफायर प्लेट का प्रॉब्लम रहता है, 10% आपका स्टेटर का प्रॉब्लम होता है। ओके दोस्तों, तो अभी जो अगला जो स्टेप आपको मैं बताऊँगा, जो कि आपका जो बल्ब है जो हाफ ही ग्लो करता है, मतलब जो गाड़ी चालू हो जाने के बाद आपका पूरा जो है बंद हो जाना चाहिए उसको, लेकिन जो आधा जो जलता रहता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपका क्या प्रॉब्लम होता है मैं आपको बताऊंगा। तो उसके अंदर आपका जो दो प्रॉब्लम होते हैं, एक तो स्टेटर या रोटर। आपका स्टेटर क्या है दोस्तों, आपका जो है बॉडी शॉर्ट रहता है, मतलब जो आप जब भी अल्टरनेटर के अंदर फिट करते हो तो उसका जो जो आपका वाइंडिंग देखते हो तो उसका जो वार्निश हट जाता है, तो आपका क्या ग्राउंड के साथ वो शॉर्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है आपका जो आधा ही जो सप्लाई इसको आता है, मतलब यहाँ पे जो मेन आनी चाहिए वो कभी आती है कभी नहीं आती, मतलब आधी जो आती है। देखिए दोस्तों, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है आपका रोटर को जो सप्लाई मिलना चाहिए आधा ही मिलता है, तो आपका जो वर्क जो करना चाहिए रोटर पूरा तो वो नहीं करता है, तो उसकी वजह से जो रोटर से जो सीरीज होके जो बल्ब अपना ग्लो करता है, तो इसके अंदर ये जो बल्ब है अपना आधा जो ग्लो करता रहता है और आधा जो रोटर वर्क में रहता है, मतलब जो इस कंडीशन के अंदर आपकी जो बैटरी चार्ज नहीं होती है दोस्तों, फिर भी जो आपकी जो बैटरी चार्ज नहीं होती, क्योंकि जो रोटर को सप्लाई मिलना चाहिए पूरा वो नहीं मिलता, मतलब आधा जो आपका बल्ब ग्लो करता है, तो इसका क्या मतलब है आपका रोटर पूरा वर्क में नहीं है, तो जो स्टेटर की वजह से होता है, जो कि उसको आपका जो है बॉडी शॉर्ट कहीं पे रहता है जो ग्राउंड के साथ, तो उसके लिए जो पूरा आपका जो सप्लाई रेक्टिफायर प्लेट को देना चाहिए जो एसी सप्लाई आपका, तो रेक्टिफायर प्लेट आपका रेक्टिफाई करके जो डीसी बनानी चाहिए वो आपका पूरी नहीं बनाती है, तो इसकी वजह से आपका जो है प्रॉब्लम आता है दोस्तों, जो कि ये जो प्रॉब्लम आपका स्टेटर के अंदर रहता है या रोटर के अंदर रहता है। तो रोटर के अंदर क्या रहता है दोस्तों, रोटर पे आपका ग्राउंड शॉर्ट रह सकता है, मतलब बॉडी शॉर्ट कहीं पे रह सकते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका क्या होगा, ये लाइट आपका एक तो आधा चलेगा पूरा चलेगा। ओके, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपका जो बैटरी चार्ज नहीं होगी, तो बहुत सी बार देखा गया कि लाइट पूरा जलता है, और कुछ कुछ कंडीशन के अंदर देखा गया कि लाइट आधा जलता है, मतलब आधा जो रोटर वर्क में रहता है और आधा जो आउटपुट जो ये जो बल्ब है इसके लिए निकल रहा होता है सीरीज़ में से, मतलब अपना रोटर है तो आपका क्या है ये आपका आधा जो बल्ब एक ग्लो करेगा, मतलब अपना रोटर अपना वर्क करेगा, जो आधा ही जो बल्ब अपना ग्लो करेगा और आधा जो सप्लाई इस बल्ब के लिए देगा, तो ये जो बल्ब है अपना आधा ग्लो करेगा और रोटर भी अपना आधा वर्क करेगा। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, जो कि मैं आपको बोल रहा था जो कि आधा बल्ब अपना कैसे ग्लो करता है, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अभी टेबल पे। तो अभी देखिए
दोस्तों जो हम इसको मेन देंगे तो ये जो बल्ब से होके देंगे मतलब सीरीज से होके देंगे। देखिए अभी जैसे इसको मेन दिया, देखिए यहाँ पे हम ध्यान दीजिए दोस्तों, जो ये दो बल्ब है इसके ऊपर ध्यान दीजिए, जो मीटर बल्ब है आपका ये भी आपका आधा ग्लो कर रहा है देख सकते हैं, और आपका जो रोटर है वो भी आपका क्या है आधा वर्क में है, और जो इससे होके जो सप्लाई इसके लिए निकल रहा है मतलब ये अपना आधा ग्लो कर रहा है और साथ में इसको भी सप्लाई निकल रहा है, तो इसके लिए जो आपका बल्ब पे आधा जो ग्लो करता है दोस्तों, क्योंकि हमने इसको जो मेन दी वो अभी डायरेक्ट नहीं दी जो कि इस बल्ब से होके दी, तो ये भी अपना आधा ग्लो करने लग गया। ओके दोस्तों, तो ऐसे जो प्रॉब्लम आता है जो आपको मैंने प्रैक्टिकल अभी दिखा दिया, देखिए जैसे इसको मेन हटा दिया तो ये जो अपना बल्ब फुल ग्लो करने लगा। अभी आप जैसे गाड़ी चालू करते हैं तो यहाँ पे सप्लाई आता है लेकिन पूरा जो आना चाहिए मेन जो आना चाहिए वो नहीं आता है, तो उस कंडीशन के अंदर आप जो आपका प्रॉब्लम स्टेटर के अंदर रहता है, कहीं पे जो आपका ग्राउंड शॉर्ट रहता है 100%। ओके दोस्तों, देखिए जो ये लाइट आपका आता है जो ग्लो करता है उस कंडीशन के अंदर। तो दोस्तों आई होप आपको जो वीडियो समझ में आ गई होगी, क्योंकि दोस्तों जो मैंने आपको बहुत से अच्छे से जो समझाने की कोशिश की तो आपको कोई भी चैनल पे इतना जो डिटेल में समझाया नहीं जाता है, इतना जो डीपली कोई भी आपको जो एक्सप्लेन नहीं करता है दोस्तों, जो कि आपको हमारे चैनल पे मिलता है इतने जो डिटेल वीडियो है और जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो। ओके दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया होगा तो जरूर कर लीजिए, और वीडियो को भी एक जो लाइक है दोस्तों अभी कर ही दीजिए, क्योंकि आपके जो सभी जो डाउट है आशा करता हूँ जो क्लियर मैंने कर ही दिए, सो जो कि 99% आपके जो डाउट है आपको मैंने जो क्लियर कर ही दिए। ओके दोस्तों, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो कर लो, और नीचे आपको कमेंट का ऑप्शन मिलता है दोस्तों, तो आ जाके आप जो अभी भी आपको मन में कोई डाउट बचे होंगे तो वहाँ जाके आप बता सकते हैं, तो मैं आपका जो कमेंट की रिप्लाई दोस्तों जरूर दूंगा, और वीडियो कैसी लगी वहाँ पर जाके आप लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।